हेलो गाइस, वेलकम टू IBTS यूट्यूब चैनल। और हम लोग आज बात करने वाले हैं एक केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के बारे में, दैट इज़ CSIR नेट। ओके, CSIR नेट फॉर केमिकल साइंसेस हम लोग बात करेंगे आज। उसका पैटर्न किस तरह का रहता है, कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं उसमें, और इसके अलावा अगर आप जैसे मान लो 140 प्लस का टारगेट कर रहे हो आप अपना स्कोर का, ठीक है, तो उसके लिए आपको कैसे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। देखो, जैसे आपको पता है कि जो आपका CSIR नेट है उसके मेन तीन सेक्शंस होते हैं पेपर के, राइट। जिन तीन सेक्शन में से जो फर्स्ट सेक्शन होता है जर्नल, ठीक है, जिसमें 15 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 20 में से। सेकेंड रहता है जिसमें आपको 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं 40 में से, राइट। और थर्ड रहता है जिसमें आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस। ओके, मतलब इसमें हमें एक बहुत सारी वेरिएशन मिलती है, मतलब बहुत सारी ऑप्शंस मिलती हैं जिनके अकॉर्डिंग हम चूज कर सकते हैं कि कुछ टॉपिक हम छोड़ सकते हैं और कौन से टॉपिक्स को टारगेट करना चाहिए, किस बेसिस पे करना चाहिए, वो सारी चीज़ें। अब जैसे हम ओवरऑल बात करें तो हमारे केमिस्ट्री के तीन ही पार्ट रहते हैं, है ना, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर सकती कि हम सिर्फ अगर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को लेके चलें तो चल जाएगा, या किसी भी एक पार्ट को स्किप करते हैं तो चल जाएगा। नहीं बेटा, नहीं। तो क्यों? क्योंकि वो तब हो सकता है जब आपको दूसरे टॉपिक्स का एक एक क्वेश्चन आता हो बहुत अच्छे से, वो फिर है, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होती, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। सो हमारा मेन टारगेट यही रहता है कि हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है ना जो उनको टारगेट करें, राइट। कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करा जाए। सबसे पहले आ गई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है जो हम सबको काफ़ी पसंद होता है, ओके, सब बच्चों को इजी लगता है और हम लोग इजीली, क्योंकि उसमें से नॉर्मली बिल्कुल डायरेक्ट एंड लिटिल बिट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आने होते हैं, कोई बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते, कोई कॉन्सेप्ट मिक्स नहीं होते, तो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। इसमें भी आप लोगों को पता है द फर्स्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, ऑर्गेनोमेटेलिक हो गया, राइट। फिर उसके बाद बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, ओके, केमिकल बॉन्डिंग हो गई, एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। ओके, ये तो मेन टॉपिक हैं जो आपको करने ही चाहिए, ठीक है, मेजर टॉपिक्स हैं ये मेजर टॉपिक्स हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें से कॉन्सेप्चुअल एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आते हैं इनऑर्गेनिक में से। ये काफी मेजर टॉपिक है जिसको आपको कवर करना चाहिए। इसके अलावा जैसे देखो आपके पास टॉपिक होते हैं जैसे मेन ग्रुप है, मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ये मोस्टली ना सारे स्टूडेंट ही इसको स्किप कर जाते हैं, इसको छोड़ दिया जाता है। आप इसको लीव कर सकते हो, छोड़ सकते हो, मेन ग्रुप को आप छोड़ सकते हो। ओके, इसके अलावा न्यूक्लियर केमिस्ट्री को अगर आप छोड़ना चाहते हो तो आप छोड़ सकते हो। इसके अलावा एक और हमारा टॉपिक होता है एसिड्स एंड बेसिस वाला, ओके, तो हम इसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है तो आप एक दिन भी अपने 3-4 घंटे दोगे ना इसको, तो ये बहुत इजीली हो जाता है टॉपिक, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है। सो मेरे को लगता है कि हमें इसको कंसिडर कर लेना चाहिए मेन में। लेकिन अगर आपको कभी लगे कि नहीं टाइम कम है तो नहीं हो पाया, तो आप इसको छोड़ सकते हो, मेन ग्रुप तो छोड़ ही देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले आती है क्वांटम, ओके, फिर आता है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक गाइस, फिर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर आता है थर्मो, ओके, और इसके अलावा फिर आता है ग्रुप थ्योरी, सरफेस, पॉलीमर एंड सॉलिड स्टेट, राइट। जो मैंने ये पीछे टॉपिक लिखे हैं, ग्रुप थ्योरी हो गया, सरफेस हो गया, पॉलीमर हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, ये आपके सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स रहते हैं, जिनको हम स्कोरिंग टॉपिक्स कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये बहुत ईजिली भी हो जाते हैं, छोटे टॉपिक से कोई बहुत बड़े टॉपिक नहीं है, इनको तो करना ही करना है, ओके। फिर इसके अलावा जैसे अगर आप थोड़े बड़े टॉपिक्स की बात करो, मतलब जिनमें से हमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज करने पड़ते हैं, ठीक है, फॉर्मूलाज टारगेट करने पड़ते हैं, तो ये वो वाले जो मतलब बहुत मेहनत मांगते हैं, जिनके ऊपर हमें बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने पड़ते हैं, वो टॉपिक रहते हैं मेन हमारे,
जैसे क्वांटम हो गया, कैनेटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, थर्मो हो गया, उसमें से जो क्वांटम है ये कुछ ज्यादा चैलेंजिंग रहता है। ओके अब इन टॉपिक्स को आप देखो, इस तरह से नहीं देखना कि सारे क्वेश्चन देखो। अगर आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करते हो, काफी सारे क्वेश्चन लगाते हो, अपना टाइम देते हो, तो अगर इन इन सारे टॉपिक्स में से मिलके मान लो आपके 14-15 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और आप उनमें से 8-9 क्वेश्चंस भी इजीली अटेम्प्ट कर पाते हो, तो आप सक्सेसफुल हो ना। क्योंकि हर एक टॉपिक में से सिर्फ औखे ही टॉपिक थोड़ी आने हैं, सौखे वाले भी तो आने हैं, मतलब ईजी भी तो आने हैं। सो हमें इनको टारगेट करना चाहिए। जैसे क्वांटम कई बार कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स को थोड़ा चैलेंजिंग लगता है, तो आप मतलब उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप छोड़ोगे तो उसके फिर बाद में जो इफेक्ट्स हैं वो हमें अपने मार्क्स के ऊपर दिखते हैं। सो ट्राई करना है कि ऐसे टॉपिक्स को करना ही है कवर। इसके अलावा अगर आप मैं फिजिकल में बात करूं, तो हमारे पास स्टैटिकल थर्मो होती है, राइट, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, और एक होता है कोलाइडल। ओके आप इनको छोड़ सकते हो, ये टॉपिक्स को आप छोड़ सकते हो, क्योंकि ये कोई बहुत जरूरी नहीं है। अगर आपको छोड़ना है तो आप इनको, मतलब इनको आप रख सकते हो साइड पे कि चलो बाद में कर लेंगे, अगर थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं तो छोड़ देंगे। ओके फिर लास्ट पार्ट आ गया हमारा जो मेन है, वो है ऑर्गेनिक। अब बेटा जो ऑर्गेनिक होती है ना, उसका एक लिमिटेशन भी होता है कि उसके जो हमें क्वेश्चंस आते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ रिलेट करते होते हैं। मतलब उसमें अगर आप रिएजेंट्स नहीं पढ़ा, नेमिंग रिएक्शन नहीं पढ़ा, तो केमिकल मैकेनिज्म नहीं पढ़ा, जीओसी नहीं पढ़ा, तो सबके कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ मतलब लिंक करते होते हैं, इंटरलेट करते होते हैं। तो हम एक छोड़ते हैं तो हम पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते, जिससे हमारा नुकसान हो जाता है। सो अकॉर्डिंगली जैसे हमारे रिएजेंट्स वाला पार्ट होता है, ओके पेरीसाइक्लिक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आपको पता ही है। ओके फिर रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट रहता है, एंड जीओसी है, ठीक है, एंड नेमिंग रिएक्शंस हैं, ये तो करने ही होते हैं, ठीक है, ये तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है जो हमने करना ही होता है। ऑर्गेनिक में अगर आप कुछ छोड़ने के बारे में सोच सकते हो, तो आप वो बायोकेमिस्ट्री सोच सकते हो उसमें। ओके बायो मॉलिक्यूल्स वाली बायोकेमिस्ट्री छोड़ सकते हो, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड छोड़ सकते हो, फोटोकेमिस्ट्री छोड़ सकते हो, अगर आप छोड़ना चाहते हो, ठीक है, तो यू कैन लीव दीज थ्री टॉपिक्स ऑनली, बट इनको तो टारगेट करना ही पड़ेगा अगर अच्छा ऑर्गेनिक का करना है तो। ओके फिर इसके बाद हमारा एक पार्ट होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ओके स्पेक्ट्रोस्कोपी में ना, जैसे आपको पता है कि 4 मार्क वाला क्वेश्चन आता ही है, जिसमें सबसे ज्यादा टारगेट करा जाता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को। एनएमआर के साथ साथ जो हमारी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह है, उसका भी थोड़ा बहुत डाटा उसमें होता है, तो हम इजिली ना थोड़ा डाटा को कैंसिल आउट सा करते करते बहुत इजिली अपनी स्ट्रक्चर को डिटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ईजी हो जाता है हमारे लिए। ओके सो जैसा ये है, एनएमआर और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, तो यूवी विजिबल, इनको कुछ देख लेना चाहिए, या रमन है, तो ये इजी रहती हैं। इसके अलावा जो अगर कोई और स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है, तो आप उनको छोड़ सकते हो। मतलब मेन एनएमआर आईआर ये होता है, जहां से हमें 4 मार्क का क्वेश्चन आना ही आना होता है। ओके सो इस तरह से आप कर सकते हो। जैसे देखो अभी आपने, आपको जैसे 4 मार्क क्वेश्चन की ही बात करो बेटा, 4 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं हमें, 60 क्वेश्चन मैंने बोला आपको आने हैं, जिसमें से हमें सिर्फ 25 अटेम्प्ट करने हैं, राइट। अगर देखो आपको 60 क्वेश्चन आने हैं और उसमें से आपको पेपर में 30 क्वेश्चन आते हैं, मान लो इतना करने के बाद आपके 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको 30 क्वेश्चन आते हैं, तो दैट मीन्स कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, मतलब आप चूज कर पाओगे कि कौन से करने हैं, और उससे आपके नेगेटिव मार्किंग भी कम हो जाएगी, और नेगेटिव मार्किंग भी कम होगी तो 90, 95, 96 टाइप मार्क्स हैं जो, वो आप इन्हीं में से ही ले जाओगे, और बाकी जो हमारे 2 मार्कर वाले क्वेश्चन हैं वो तो आपका फिर रैंक डिसाइड करने में आगे हेल्प करेंगे, है ना, तो यहीं से ही आप काफी अच्छा कर जाओगे। सो मेक श्योर कि आप इसी तरह इस पैटर्न को फॉलो करते हुए चलो, और कोई भी डाउट्स हैं किसी टॉपिक्स के, आप सब टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट के बारे में पूछना चाहते हो, तो वो आप लोग मेरे को कमेंट सेशन में बता सकते हो। ओके और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना, कोई डाउट है वो भी इसके बारे में पूछ सकते हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टू टारगेट दिसंबर 2024 CSIR NET फॉर केमिकल साइंसेज,
फॉर फिजिकल साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज एंड लाइफ साइंसेज हम लोग नया बैच शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को उसकी कोचिंग के लिए कोई भी इंक्वायरीज हैं या आपको अच्छा से पढ़ना है उसको ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड इन एनी मोड, तो आप लोग हमारी टीम से अप्रोच कर सकते हो। आपको नंबर दिया होगा स्क्रीन के ऊपर, 9316-4888-222। आप लोग उस पर बात करके और अपना काउंसलिंग सेशन ले सकते हो और जो भी आपको कुछ इंक्वायरीज है वो भी पूछ सकते हो और हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे आपको प्रॉपर एक प्रिपरेशन कराई जाएगी, टेस्ट मतलब एमसीक्यूज लगवाए जाएंगे और पूरी की पूरी हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी आपका पेपर क्रैक करने में। ओके, और अगर आप JRF क्रैक करके किसी अच्छे एक ऑर्गेनाइजेशन से PhD करना चाहते हो तो आप हमारी टीम से उसके लिए अभी ही लिंक कीजिए। और बाकी मिलते रहेंगे हम इस तरह की और वीडियोस के साथ और कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चीज़ों के साथ दैट इज़ रिलेटेड विद केमिकल साइंसेस के लिए, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कोई भी डाउट्स हैं। और बाकी मिलते हैं हम फिर अभी अगली वीडियोस में। थैंक यू गाइस।